डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको 10.6 प्रमेय बता रहे हैं। 10.6 प्रमेय में वो बोलता है किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ठीक है, तो ये कैसे आपको करनी है प्रमेय देख लो। एक प्रमेय बताएंगे और 3-4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता देंगे। आज के लिए ये कल बनाया था वीडियो, कल वीडियो में 2 प्रमेय बताई थी हमने, 10.1 10.2, और उसके छोटे छोटे क्वेश्चन बताए थे। आज फिर हम आपको एक प्रमेय बताएंगे और 3-4 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो ये है त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। आप ऐसे देखिए, ये त्रिभुज है, सपोज दैट ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ये जैसे AD ये माध्यिका है, इसके मध्य बिंदु से यहाँ से मिलाएंगे तो ये BE ये माध्यिका है, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये CF ये माध्यिका है CF। अब ये माध्यिका है AD BE और CF, तो ये हमें ये सिद्ध करना है कि ये मान लो ये प्रतिच्छेद बिंदु ये G है, तो ये 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है, ये 2 है, ये 1 है। ये यहाँ से सी साइड से तो 2 होता है और ये नीचे अदर साइड में 1 होता है। ठीक है, 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको दिया है, तो दिया है तो इसमें लिखा जाएगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD और BE तथा CF माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, ये तो दिया है। ठीक है, हमें सिद्ध इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि AD है ना, AG अनुपात GD या ये 2:1 है, और BG अनुपात GE ये भी 2:1 का अनुपात है, और CG अनुपात GF ये भी 2:1 का अनुपात है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी ये 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है, यहाँ से ये 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है, ये सिद्ध करना है। रचना में हमने इसको मिलाया और क्या किया, इसमें रचना में थोड़ा सा काम कर लो। ये रचना में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जितना AG है यहाँ से यहाँ तक, उतना आगे लाइन खींचनी है आपको। जैसे मान लो सपोज दैट ये तो D है, और जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतना नीचे यहाँ पे खींचो, इतना जितना ये है उतना इधर साइड में यहाँ खींचोगे, और इससे इसको मिलाओगे और इससे इसको मिलाओगे, तो इसको आप सपोज दैट O मान लो। ठीक है, तो ये एक तो रचना ये की है, और एक रचना ये वाली है, और एक रचना ये है। ठीक है, ये तो रचना में हमने क्या किया है, AG बराबर है ना वो GO खींचा है, और BO तथा CO को मिलाया, ये इतना काम किया है। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में पहले हम लेंगे त्रिभुज ABO में, ये बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABO में, AB और O में, ABO में यहाँ पे देखिए ये F है, AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये माध्यिका है ना, मध्य बिंदु पे जाके मिलती है,
तो एफ है ना वो ए बी का मध्य बिंदु है। और जी है ना जी जी ए ओ का मध्य बिंदु है। तो यहां से देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से ये इसका तो मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है तो ये इसके समानांतर होगा यानी एफ जी है ना वो समानांतर होगा बी ओ के या आगे आप लिख सकते हो जी सी ये समानांतर होगा बी ओ के। ये पहला समीकरण हमें जिसकी ज़रूरत है उसको ही देखो हमें करना क्या है इसमें हमें बी जी सी ओ ये समानांतर क्षेत्रों सिद्ध करना है जिससे कि ये और ये बराबर सिद्ध कर सकें। ठीक है तो ये तो हमने ये पहला समीकरण बनाया। अब दूसरा समीकरण देखिए इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए सी ओ में यहाँ ई है ना ए सी का मध्य बिंदु है ई ए सी का मध्य बिंदु है मध्य बिंदु इसलिए है क्योंकि ये माध्यिका है तो सामने वाली भुजा है ना उसके मध्य बिंदु पर जाके मिलती है तो ये दूरी बराबर होती है ये दूरी इस दूरी के बराबर और ये दूरी इस दूरी के बराबर क्योंकि माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ई है ना ए सी का मध्य बिंदु है और यहाँ से जी है ना ए ओ का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय से देखो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है यहां से देख लीजिए आप एक त्रिभुज हो सपोज दैट तो इसका ए बी सी है मान लो ये त्रिभुज तो ये मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु दोनों को मिलाएं तो ये वाली जो भुजा है ना इसके समानांतर होती है और इसकी आधी होती है तो आधी की हमें ज़रूरत नहीं है हमें तो ये समानांतर करना है तो ये इसके समानांतर होती है ऐसे हमने बनाया है तो ये इसके समानांतर है और ये पूरी लाइन इसके समानांतर है तो ये भी इसके समानांतर है ऐसे बनाया ऐसे ही दूसरा इधर साइड में ले रहे हैं हम ये मध्य बिंदु है मध्य बिंदु प्रमेय से यहाँ भी हो जाएगा ये इसके समानांतर है तो ये भी इसके समानांतर है तो आगे इसको लिखेंगे अतः मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा जी ई समानांतर होगी ओ सी के जी ई समानांतर होगी ओ सी के या ये बी जी समानांतर होगा ओ सी के बी जी समानांतर होगा ओ सी के ये दूसरा समीकरण है इसकी ज़रूरत है और इधर इसकी ज़रूरत है समीकरण एक तथा दो से। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण एक तथा दो से देखो इसके समानांतर ये है और इसके समानांतर ये है तो ये है ना समानांतर चतुर्भुज है बी ओ सी जी बी ओ सी जी समानांतर चतुर्भुज है देखो आमने सामने की भुजाएं अगर समानांतर हों ये इसके समानांतर ये इसके समानांतर तो ये है ना समानांतर चतुर्भुज हो गया बी ओ सी जी। अब समानांतर चतुर्भुज जब होता है तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण है ना एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करते हैं बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे
समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करेंगे यानी बराबर भागों में बांटेंगे। और समद्विभाजित करेंगे तो हमें तो जिसकी इसकी ज़रूरत है तो ये हो जाएगा जी डी बराबर डी ओ। अतः डी जी है ना वो बराबर हो जाएगा डी ओ के। ये आप तीसरा समीकरण मान लीजिए, इसकी हमको सख्त ज़रूरत है। अब तो सिंपल है, यहाँ से जो रचना है ना, यहाँ से देखो ये मान ये बराबर ये रचना सी है, ए जी बराबर है जी ओ, ये रचना सी है, ठीक है। अब जी ओ को दो हिस्सों में बांट दो, जी डी और डी ओ, इसकी जगह लिख देंगे जी डी प्लस डी ओ, जी डी प्लस डी ओ के बराबर ये हुआ। अब यहाँ समीकरण तीन से आप मान लगा दो इसकी जगह, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो यहाँ से यहाँ तक कि इसकी दो और एक अनुपात ये देख रहे हैं ना, तो इसकी जगह आप है ना समीकरण एक से डी जी लगा दो। ये जैसे डी जी है तो ए जी बराबर हो जाएगा डी जी प्लस डी जी। ये किससे लगाया हमने, समीकरण एक से, समीकरण तीन से, समीकरण तीन से मान लगाया तो ये हो जाएगा ए जी बराबर दो डी जी। और आप है ना डी जी का इधर भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए जी बटे डी जी बराबर दो, और नीचे कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, तो दो अनुपात एक हुआ। तो यहाँ लिख दो, अतः ए जी अनुपात डी जी बराबर दो अनुपात एक, आपको ऐसे करना है। ये अब एक बार है ना अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, आपको एक बार मैं रिपीट किए देता हूँ, क्योंकि रिपीट होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको इधर लिख लो, अगर समझ में नहीं आ इधर दिखाई नहीं देगा तो यहाँ लिख दो, ए जी है ना और डी जी का अनुपात होगा दो अनुपात एक। अब देखिए एक बार इसको रिपीट किए दे रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये है ना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रमेय है इस चैप्टर की, दो कल बताई थी एक आज बता रहे हैं, इन तीनों में से एक प्रमेय तो आई जाएगी। तो इसमें क्या है देखो, वो ये कह रहा है ये त्रिभुज है ना इसकी माध्यिकाएं ये वाली और ये वाली जिस पॉइंट पर काटती हैं वो वाला पॉइंट है ना इस माध्यिका को दो और एक के अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये दो हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, ऐसे ये दो हिस्सा ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा ये एक हिस्सा इसमें विभाजित करता है, ये बोला है, ये सिद्ध करना है। तो हमने त्रिभुज ए बी सी में ये माध्यिका लिख दी, ए डी बी ई और सी एफ ये लिख दी, सिद्ध हमें क्या करना है, ए जी और जी डी ये दो एक का अनुपात, ये और ये दो एक का अनुपात, ये और ये दो एक का अनुपात। अब रचना में हमने क्या किया है, जितना ए जी है ना उतना नीचे की साइड में लाइन बनाई है, ये बढ़ाई है आगे, और इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, जहाँ जहाँ डॉट डॉट लाइन नज़र आ रहा है वो रचना है। और उत्पत्ति में हमने पहले ये वाला त्रिभुज लिया है ए बी ओ, इस त्रिभुज में ये एफ है ना ए बी का मध्य बिंदु है और ए ओ का मध्य बिंदु जी है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से ये इसके समानांतर होगा और ये आधा होगा इसका, लेकिन आधे की हमें ज़रूरत नहीं, हमें तो समानांतर देखना है, तो ये मध्य बिंदु प्रमेय से ये इसके समानांतर होगा, तो ये समानांतर है, अब ये पूरी लाइन समानांतर होगी तो ये भी इसके समानांतर होगा, तो ये पहला समीकरण बना। अब फिर हमने ये वाला दूसरा त्रिभुज लिया, ये इस त्रिभुज में ए सी का मध्य बिंदु ई है और ए ओ का मध्य बिंदु जी है, फिर मध्य बिंदु प्रमेय से ये इसके समानांतर होगा तो ये इसके समानांतर होगा, तो ये बी ओ सी जी ये समानांतर चतुर्भुज हुआ। ये समानांतर चतुर्भुज की क्या शर्त होती है, ये विकर्णन है जहाँ पर कट करते हैं समद्विभाजित करते हैं, यानी ये हिस्सा इसके बराबर ये हिस्सा इसके बराबर होता है, तो हमें तो इसकी ज़रूरत है, तो ये और ये बराबर हैं, ये तीसरा समीकरण बनाया।
अब हमने क्या किया है, ये रचना है ना ए जी बराबर जी ओ, ये रखा और जी ओ को हमने दो हिस्सों में काट दिया, जी डी प्लस डी ओ, और डी ओ को हमने चेंज कर दिया समीकरण तीन से डी जी के बराबर, और ये दो डी जी हो गया और डी जी का इसके नीचे भाग लगा दिया तो ये आया 2:1। तो ऐसे आपको ये प्रमेय करनी है, 3 नंबर में आ सकती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। अब इसके बाद में क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, और कल मैंने जो प्रमेय बताई थी दो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का आ सकता है, और प्रमेय आएगी तो ये तीनों प्रमेय देख लेना, इसी में से कोई प्रमेय आ जाएगी। अब क्वेश्चन देखिए, कल मैंने डियर स्टूडेंट